हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन कौशिक और आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। कैसा था आज का बाजार और क्या रहेंगे लेवल्स कल आने वाले दिन के लिए? कल थर्सडे है, मंथली एक्सपायरी का दिन भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो उसके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी की कल के लिए रेंज डिस्कस करेंगे, ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे क्या रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी आज जो है मार्केट 16,950 के अराउंड क्लोज हुआ है, कल मार्केट ऑलमोस्ट 17,000 के अराउंड क्लोज हुआ था। आज जो है मार्केट थोड़ा सा 30-40 पॉइंट ऊपर खुला था मार्केट, और उसके बाद जब नीचे आया तो 16,900 जो कि हमने कल अपना सपोर्ट 1 डिस्कस किया था वहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और उसके बाद मार्केट 16,950 पे क्लोज हुआ है। तो अभी आज पूरा दिन जो है मार्केट 80% ऑफ द डे 17,000 से 16,900 की रेंज में ही ट्रेड करता रह गया, जबकि ओपन हुआ था 17,030 के राउंड। उसके बाद जब मार्केट एक बारी वापस रेंज में आया था तो 16,990 17,000 से लेकर 16,920 की रेंज में मार्केट ट्रेड करता रह गया, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट की रेंज में ही जो है निफ्टी पूरा दिन ट्रेड करता रह गया। तो कल के दिन की अगर हम रेंज डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स से मार्केट आज जैसे कि 16,950 पे आज निफ्टी क्लोज हुआ है, तो कल अगर मार्केट 16,950 से समवेयर 20 पॉइंट ऊपर नीचे यानी साइडवेज अगर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है तो ऐसे सिनेरियो में जो है 17,000 से 17,020 तक की जो है हमारा रहेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 कल के दिन के लिए, और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस 2 है वो जो कल हमने रेजिस्टेंस 1 लिया था वो हमारा सेम रहेगा, 17,100 का लेवल रहेगा हमारा रेजिस्टेंस 1। कल क्लियरिंग डे भी है, हो सकता है मार्केट में जैसे एक दो दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है, एक छोटी रेंज में ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रैप है। तो अगर कोई बड़ा मूव आने को मिलता है तो ऐसे में हम एक रेंज जो है R3 भी डिस्कस करेंगे, वो रहेगा 17,200। लेट्स मतलब बेसिकली जो कल हमने लेवल डिस्कस करे थे वो मार्केट में सेम रहेंगे, बट अभी जो है रेजिस्टेंस 1 हमारा 17,000 का लेवल हो गया, रेजिस्टेंस 2 हमारा 17,100 और रेजिस्टेंस 3 हमारा 17,200 का रहेगा कल के दिन निफ्टी के लिए। डाउनसाइड में अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमारा यहाँ पे मार्केट में सेम रहेगा, 16,900 का जो लेवल है ये रहेगा हमारा सपोर्ट 1, और 16,840 से 820 का जो लेवल है ये रहेगा डाउनसाइड में हमारा सपोर्ट 2 कल के दिन के लिए। और अगर मार्केट में लेट सपोज कि अगर 16,840 का लेवल भी 840-830 का लेवल ब्रेक होता है तो हो सकता है मार्केट में डाउनसाइड में कोई एक अच्छा बड़ा 100 पॉइंट तक का मूव और देखने को मिल जाए और मार्केट 16,750 या 16,700 तक ट्रेड करता हुआ रह जाए। तो कल की रेंज रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, मार्केट 16,950 पे क्लोज हुआ है, तो ऐसे में हमने रेजिस्टेंस 1 अपना रखा है 17,000 का, रेजिस्टेंस 2 17,100 है और रेजिस्टेंस 3 हमारा 17,200 का लेवल है कल के दिन के लिए। डाउनसाइड में 16,900 जो है ये हमारा रहेगा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 हमारा रहेगा 16,830 से 820 का लेवल कल के दिन के लिए। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 17,750 से 700 का जो रेंज है यहाँ पे हम सपोर्ट 3 लेके चल सकते हैं। तो आइए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए बैंक निफ्टी में आज देखिए मार्केट में अभी ये जो हमने कल की ड्राइंग्स बनाई थी वो अभी मेरे चार्ट में दिख रही होंगी आपको, तो कल का दिन हमने जो ड्रॉ किया था मार्केट आज भी उसी रेंज में रह गया है। मार्केट में जो डाउनसाइड में 39,250 का लेवल नहीं ब्रेक हुआ और अभी अपसाइड में जो है 39,700 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ बैंक निफ्टी में। तो आज के दिन भी देखिए मार्केट में क्या हुआ है, आज के दिन मार्केट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी, 39,550 के अराउंड मार्केट ओपन हुआ था और मार्केट पूरा ही दिन उसी एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता हुआ रह गया, यानी 39,600 से 39,300 की रेंज में, 300 पॉइंट की रेंज में आज पूरा दिन बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ रह गया है। तो कल की रेंज डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की, अब स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी की कल की क्या रेंज है। देखिए एक तो एक मेरे को छोटी सी ट्रेंड लाइन मैं भी ड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ पे बैंक निफ्टी में, जो कि काफ़ी प्रेडिक्टेबल और काफ़ी इजी टू वॉच इस टाइम हो रखी है ये ट्रेंड लाइन। तो कल के लिए जो मेरी बैंक निफ्टी की अपसाइड की रेंज है वो रहेगी ऑलमोस्ट 39,700 का जो एरिया है, 700 से 750 का जो ये एरिया है ये बैंक निफ्टी में रखूँगा मैं रेजिस्टेंस 1, बट साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है आप इसको ज़रूर अपने चार्ट पे लगा के रखें और इसको वॉच पे ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि अगर मार्केट में ये ट्रेंड ब्रेक होता है तो यानी जो मार्केट अभी ये साइडवेज ट्रेंड में हमें दिख रहा है ट्रैप अभी इस टाइम है, तो ये हो सकता है कि साइडवेज ट्रेंड का ब्रेकआउट पॉइंट मिल जाए हमें यहाँ से, और बिफोर द रेंज गेट हिट यानी 39,700 की रेंज अगर हिट होती है उससे पहले ही हमें अगर हम कोई डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन डाल रहे हैं या थीटा की पोजीशन डाल रहे हैं तो थीटा डीके की
तो वहाँ से हमें एग्जिट लेने का मौका मिल सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन को आई सजेस्ट कि आप वॉच पे लगा कर रखें। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस वन हम कल के दिन के लिए रख रहे हैं वो रख रहे हैं 39,720 से 750 का एरिया। उसके ऊपर जो हमारा रहेगा वो है 40,200, जैसे कि हमने कल बात करी थी वो सेम लेवल रहेंगे, क्योंकि आज मार्केट जो है लगभग साइडवेज ही रहा है। डाउन साइड में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 39,280 से 39,250 का जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट पिछले दो ट्रेडिंग डे से, दो या तीन ट्रेडिंग डे से मार्केट जो है इसी एक छोटी रेंज में ट्रैप है, ऑलमोस्ट 350-400 पॉइंट की रेंज में ट्रैप है। तो ऊपर में 39,700, नीचे में 39,250 इसी रेंज के बीच में मार्केट घूम रहा है। तो सपोर्ट वन हम यहाँ पर लेके चलेंगे 39,280 से 250 का, सपोर्ट टू हम यहाँ पर लेके चलेंगे 38,950 का जो लेवल है ये हम रखेंगे सपोर्ट टू करंट सिनेरियो में बैंक निफ्टी के लिए। अगर 38,950 से भी नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी में जो है हम 38,600 का टारगेट ले सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 38,600 हमारा सपोर्ट थ्री रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया है और अगर लेट सपोज कल कोई बड़ा मूव देखने को मिलता है और मार्केट में 1,000 पॉइंट का भी फॉल देखने को मिल जाए तो 38,600 जो है एक अच्छा टारगेट भी हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अगर मार्केट 39,000 से नीचे जाता है और 38,600 जो है एक अच्छा सपोर्ट एरिया भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि अगर मार्केट 38,600 को टच करता है तो यानी मार्केट आज की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट घट चुका होगा कल ऑलरेडी। कल के लिए क्या रेंज रिवाइज़ करी है बैंक निफ्टी के ऊपर, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 39,600 पे मार्केट क्लोज हुआ है। 39,700 से 750 जो है ये हमारा है रेजिस्टेंस वन कल के दिन के लिए। 40,200 का जो एरिया है ये है हमारा रेजिस्टेंस टू। डाउन साइड में 39,250 जो है हमारा सपोर्ट वन है और 39,000 से 38,950 जो है ये है हमारा सपोर्ट टू। सपोर्ट थ्री इनकेस कोई बड़ा मूव देखने को मिलता है तो 38,600 जो है ये सपोर्ट थ्री का काम करेगा अच्छा। और लेट सपोज अगर जैसे हमने अभी प्रीवियस वीक की वीडियो में बात करी थी, अगर मार्केट में 40,200 का लेवल ब्रेक होता है तो अभी भी हमारा व्यू मार्केट में अपसाइड करेगा, कि अगर मार्केट 40,200 या उससे ऊपर ट्रेड करता है तो यानी हम आने वाले टाइम में जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा बाइंग का मूव हम देख सकते हैं बड़ा, दैट इज मतलब ऑलमोस्ट 800 से 1,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव देखने को मिल सकता है। तो दैट इट दोस्तों, यही रेंज मेरी कल के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको हमारी रेंज पसंद आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप कल का थर्सडे आपका अच्छा जाए और हमारी रेंज से आपको ट्रेड करने में कुछ हेल्प मिले। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।